तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका जो कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आप किसी चीज किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो इसका मतलब क्या है, अगर वो जीरो है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अगर वो वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है अगर आपका नंबर कोई वन है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो है तो वन हो जाएगा। मान लो कि आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट है उसका हम क्या लेना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सी एम ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या लिखना होगा, सी एम ए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा, उसके बिट्स अगर जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अगर वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर जैसे ही आप ये लिखते हो, ये स्टेटमेंट जैसे ही लिखते हो तो आपका माइक्रोप्रोसेसर से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं, एडिशन नहीं, वो क्या करता है, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, इंटरनली क्या करता है वो, आपका ये भी जो भी होगा, ये आपका जो भी परफॉर्म होगा वो इंटरनली होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें कोई भी फ्लैग, नो फ्लैग्स अफेक्टेड, राइट। इसमें कोई भी आपका फ्लैग अफेक्ट नहीं होता क्योंकि यहां पे कोई भी आप एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका जो भी होगा, जो फ्लैग होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा, राइट। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो भी आपका अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट, और जो भी आपका फ्लैग रजिस्टर है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, मान लो हमने ये स्टेटमेंट लिखा सी एम ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में कोई जो भी कंटेंट है वन वन, ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जीरो जीरो एच, ठीक है, जीरो वन सी, ई एच डी, जीरो थ्री। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर मैं बोलूं मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखा है और आपका जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट है ये दे रखा है, तो इसका राइट मतलब जो भी होगा आंसर क्या होगा, तो आप मैंने आपको क्या बताया था, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, वन को क्या कर देते हैं, जीरो ले लेते हैं और जीरो को वन ले लेते हैं। तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपका क्या है, वन वन है, तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो ले लेना होगा, इसको भी जीरो ले लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या सोचोगे, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो वन वन का हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब क्या, अगर वन वन है तो आपको क्या लिखोगे, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ये आपका क्या हो गया, इलेवन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इलेवन हुआ। अब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एक और जीरो होगा, यहाँ पे जीरो का क्या हो जाएगा, वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन वन, वन का जीरो। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ई, इसे क्या लिख सकते हो, ई। तो करेक्ट आंसर क्या आया, ई ई एच, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जैसे वन वन दिखा तो आपने क्या कर दिया, वन का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या लिया, जीरो, वन का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जीरो, तो आपने जीरो जीरो टिक कर दिया। ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, किसी भी मतलब अक्यूमुलेटर के कंटेंट का आपको मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट करना हो तो इस तरह से हेक्साडेसिमल में लिख के आपको उसका कॉम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो जैसे जो अगर आपका कोई बिट ना क्या दे रखा हो, जीरो दे रखा हो, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर फाइव दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर सेवन दे रखा हो तो एट हो जाएगा।
अगर 3 दे रखा हो तो C हो जाएगा, अगर 1 दे रखा हो तो E हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। जब मान लो कि 0 0 क्या होता है, 0 0 0 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ये क्या होता है, F होता है। मान लो 5 क्या होता है आपका, 0 1 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 ये आपका होता है A, ये आपका होता है 5। तो ये सब चीजें याद रखने से अच्छा है कि आप खुद ही लिख के निकाल लो उसी वक्त, ठीक है। तो ये होता है आपको, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क्या होना लिखना होगा उस नंबर का, हेक्साडेसिमल में लिख के उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका आपके रजिस्टर में एफ एफ दे रखा है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर। मैंने क्या बताया, जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लो एफ का वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर जीरो का एक दूसरे का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। मान लो कि एफ का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको एफ दिखा तो आप डायरेक्ट लिख दो 0 0, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एफ को क्या कर लिया हमने, हेक्साडेसिमल में ऐसे लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद जो आपका होता है उसका होता है क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट कैरी, राइट, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैरी। अगर आप कैरी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हो तो आपको क्या लिखना होगा, सी एम पी। सी एम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एंड सी क्या हो जाएगा, कैरी। तो जो भी आपका कैरी है उसका क्या लेना होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ये क्या हो जाएगा, वन बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। इफ योर कैरी इज, अगर आपका कैरी जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कैरी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कि जो भी कैरी का रिजल्ट है उसका क्या कर देना है, हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है, समझ गए। तो एक आपका कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक और आपका स्टेटमेंट आता है, दैट इज अ सेट कैरी। क्या है वो इंस्ट्रक्शन, सेट कैरी, ठीक है। सेट कैरी का मतलब क्या है, अगर आप कैरी को वन सेट करना चाहते हो, आपका कुछ भी कैरी हो आप उसे क्या लिखना चाहते हो, वन सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, वो क्या होगा, एसटीसी, ठीक है। एसटीसी आप जैसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, वन बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। एसटीसी आप जैसे ही लिखोगे तो मान लो कि आपका कैरी क्या है, जीरो है या फिर वन हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जीरो भी होगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अगर वन होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाता है, जो भी कैरी हो जाता है वो सेट हो जाता है वन पे, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन, राइट। इसके बाद आपका एक और लास्ट जो लॉजिकल आपका इंस्ट्रक्शन का जो भी बचता है वो क्या है, आपका रोटेट, ठीक है। तो वो इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे।